वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन से 2016 के पनामा पेपर्स लीक प्रकरण से जुड़े एक मामले में सोमवार को 6 घंटे तक पूछताछ की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। ऐश्वर्या से पूछताछ ईडी द्वारा उनके पति अभिषेक बच्चन से पनामा पेपर्स लीक प्रकरण से जुड़े एक अन्य मामले में पूछताछ किए जाने के कुछ सप्ताह बाद हुई है। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के तहत ऐश्वर्या राय बच्चन का बयान दर्ज किया। पूर्व मिस वर्ल्ड मध्य दिल्ली में जामनगर हाउस स्थित एजेंसी के कार्यालय से शाम 7 बजे के बाद निकली। अधिकारियों ने बताया कि अभिनेत्री से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। अभिनेत्री को ईडी कार्यालय के पिछले दरवाजे से एक सफेद कार में ले जाया गया और मीडिया कर्मियों की भीड़ उनकी टिप्पणी प्राप्त करने में विफल रही। सूत्रों ने बताया कि अभिनेत्री ने मामले में एजेंसी को कुछ दस्तावेज भी सौंपे। मामला वर्ष 2016 में वॉशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट द्वारा पनामा की कानूनी फर्म मोसेक फोनसेका के रिकॉर्ड की जांच से जुड़ा है, जिसे पनामा पेपर्स के नाम से जाना जाता है। इसमें विश्व के कई नेताओं और मशहूर हस्तियों के नाम सामने आए थे, जिन्होंने कथित तौर पर देश से बाहर की कंपनियों में विदेशों में पैसा जमा किया था। इनमें से कुछ के बारे में कहा गया है कि उनके पास वैध विदेशी खाते हैं। इस खुलासे में कर चोरी के मामलों को सामने लाया गया था। इस प्रकरण में भारत से संबंधित कुल 426 मामले थे। ईडी 2016-17 से बच्चन परिवार से जुड़े मामले की जांच कर रहा है। इसने बच्चन परिवार को नोटिस जारी कर उन्हें 2004 से भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण योजना यानी LRS के तहत और फेमा के तहत विनियमित अपने विदेशी प्रेषण की व्याख्या करने को कहा था। बच्चन परिवार ने उस समय एजेंसी को कुछ दस्तावेज सौंपे थे। सूत्रों ने कहा कि परिवार से जुड़ी कथित अनियमितताओं के कुछ अन्य मामले भी संघीय जांच एजेंसी की जांच के दायरे में हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में ICIJ ने कहा था कि वह ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में 2005 में बनी एक विदेशी कंपनी से जुड़ी हैं। अभिनेत्री के परिवार को भी इस विदेशी कंपनी का हिस्सा बताया गया था, जिसकी $50,000 की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी थी। कंपनी कथित तौर पर 2008 में भंग कर दी गई थी। सूत्रों ने कहा कि अभिषेक बच्चन से भी पूर्व में प्रकरण से जुड़े एक अन्य मामले में ईडी द्वारा पूछताछ की जा चुकी है। सरकार ने पनामा पेपर्स और इसी तरह के वैश्विक कर लीक मामलों की जांच की निगरानी के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष के अधीन केंद्रीय जांच एजेंसियों का एक बहु एजेंसी समूह MAG बनाया था, जिसमें ईडी, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया इकाई यानी FIU के अधिकारी भी शामिल हैं। इसने हाल ही में कहा था कि 1 अक्टूबर 2021 तक पनामा और पैराडाइज पेपर लीक मामले में भारत से जुड़ी 930 हस्तियों और संस्थाओं के संबंध में कुल 20,353 करोड़ रुपये के अघोषित क्रेडिट का पता चला है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।